Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम जो है पहले इसी चैनल पर परसेंटेज को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। परसेंटेज की 20 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई, उसमें परसेंटेज के सारे टाइप हमने फिनिश कर लिए, कोई भी टाइप बचा हुआ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर कोई भी टाइप बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उस टाइप पर आगे वर्क करूंगा और परसेंटेज की वीडियो जो है बीच बीच में आपके लिए डालता रहूंगा, प्रोवाइड करता रहूंगा जो मैटर जो है हाईलाइट करके, तो उसकी आपको टेंशन ना लें। लेकिन अब हम परसेंटेज से आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो अर्थमेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है। जो प्रतिशत हमने पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का ही एप्लीकेशन, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि कहां होता है? किसी भी आर्टिकल को, जैसे हमने कोई भी आर्टिकल खरीदा, मान के चलो ये मार्कर है, तो इस मार्कर को कंपनी ने कितने रुपए में बनाया और उसको कितने रुपए में बेचा। तो जब हम कोई भी व्यापार करते हैं या कंपनी कोई भी व्यापार करती है तो वहां पर सभी ट्रांजेक्शनों में एक व्यक्ति को लाभ या हानि होती है। तो बेचने वाले व्यक्ति को या तो ट्रांजेक्शन में लाभ होता है या हानि होता है। जैसे सब्जी वाले से अगर आप बात करोगे तो आप कहेंगे कि भाई 10 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी लगा रहा है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम लगा, तो वो आपसे क्या कहेगा? भाई इसमें पड़ता नहीं जाएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको सब्जी 5 रुपए किलोग्राम दूंगा तो मुझे लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ कमाने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति लाभ चाहता है, इसलिए उसका पड़ता न जाने का मतलब उसे लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम में जो बेच रहा है वहां पर उसको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा। तो इस टर्मोलॉजी को हमको समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है और सारी चीजों को जानना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो डिस्कस करेंगे लाभ और हानि, ठीक है भाई, लाभ और हानि डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ गया हूं जिसमें सीजीएल प्री 2020 के सारे सेट्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेंस के और जितने भी सेट एसएससी के हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है भाई, पहले आप टॉपिकों को कंप्लीट करते चले और प्रैक्टिस हमारी साथ के साथ चलती रहेगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे, लाभ और हानि क्या होता है। तो लाभ और हानि में सबसे पहले आपको दो टर्मों को जानना पड़ेगा। एक टर्म होता है सीपी, सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। और अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो कॉस्ट प्राइस को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य, किसी भी आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा गया उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ऐसे ही एक और टर्म होता है आपका, वो होता है प्यारे विद्यार्थियों एसपी। एसपी की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एसपी को हम इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, मतलब किसी भी आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा गया वो जो मूल्य होता है वो आपका विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है। तो ये दो टर्म है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन्हीं पर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। तो सबसे पहले इनको जानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होता है? जितने रुपए हमने हमें किसी जितने रुपए में किसी वस्तु को हमने खरीदा उसको हम वस्तु का क्रय मूल्य कहेंगे, या किसी भी चीज को बनाने में हमारे कुल कितने रुपए लगे उसको हम वस्तु का क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे मान के चलो ये मोबाइल है, कंपनी ने बनाया, कंपनी ने बनाने के बाद इसको 20,000 रुपए में पब्लिश किया और कंपनी का जो खर्चा इसको बनाने में टोटल आया वो इस मोबाइल का क्रय मूल्य होगा, और जितने में उसने इसको पब्लिश किया 20,000 में वो इसका विक्रय मूल्य होगा। तो बस यही वाली बात मैं बनाना चाहता हूं, क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी आर्टिकल को बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ। विक्रय मूल्य क्या होता है? कि उसके बाद उस आर्टिकल को वो कितने रुपए में बेच रहा है, बिक्री वाले मूल्य को एसपी कहते हैं। तो जब ये ट्रांजेक्शन होता है तो इससे दो चीजें उत्पन्न होती है। एक केस में तो भाई उत्पन्न होता है आपका लाभ, जिसकी हम बात करें इंग्लिश में तो उसको कहते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट कमाना हर कोई व्यक्ति चाहता है, इसलिए लाभ पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हानि पर कम बनते हैं। तो प्रॉफिट लाभ,
और ऐसे ही ट्रांजैक्शन में कभी कभी हो जाता है भाई लॉस, कभी कभी लॉस तो गलती से होता है, जब व्यक्ति के सामने मजबूरी आ जाती है तभी भी वो हानि पर चीजों को बेचने के लिए तैयार होता है, उसके अलावा हर व्यक्ति लाभ पर ही चीजों को बेचता है। जैसे मान के चलो एक संतरे वाले से या सेब वाले से, फल विक्रेता से, सब्जी विक्रेता से आप सुबह के टाइम पे जाके बात करोगे तो आपने उसने कहा 15 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 15 ही देगा, उससे कम नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में उसकी सब्जी ताजा है और अभी पूरा दिन है उस पर सेल करने के लिए। लेकिन शाम को जब सब्जी वो खराब होती चली जाती है तो वो उसी सब्जी को आपको 5 रुपए किलो में देने के लिए तैयार हो जाए, क्यों? क्योंकि सब्जी में खराबी आ गई तो उस पर लॉस भी झेलने के लिए तैयार है। तो ये वाला जो काम होता है वो केवल मजबूरी में होता है, ज्यादातर लोग लाभ कमाना चाहते हैं। तो लाभ कमाने का मतलब लाभ कब होगा हमको ये समझ आना चाहिए। तो लाभ किसी भी ट्रांजेक्शन में प्यारे विद्यार्थियों तब होता है जब व्यक्ति किसी वस्तु को कम में बेचकर, कम में खरीद कर और ज्यादा में बेचे, मतलब जितने रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है उस मूल्य से ऊपर अगर वो उस वस्तु को बेचेगा तो उसे हमेशा लाभ होगा। मेरे कहने का मतलब अगर वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमेशा उस ट्रांजेक्शन में व्यक्ति को लाभ होगा, और लाभ कितने रुपए का होगा ये निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से और वस्तु के क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितने रुपए हुआ। ठीक है, तो ये तो बेटा लाभ का केस हो गया। ऐसे ही हानि के केस को समझेंगे। हानि के केस में क्या होता है, हानि किसी भी व्यक्ति को जब होती है जब वो किसी भी वस्तु को जितने रुपए में खरीद रहा है उससे कम मूल्य पर उसको बेच दे तो उसे हानि हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का जो खरीदा गया मूल्य है वो प्राइस हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में हानि होगी। और हम निकालेंगे कितने रुपए की हानि हुई, अगर ये वाली चीज निकालेंगे तो लॉस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो भैया लॉस निकल के आ जाएगा। तो लॉस कब होता है, जब वस्तु का क्रय मूल्य जो है एसपी से ज्यादा हो, या आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, या आप इस बात को भाई ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाए तो हमेशा हानि होगी, और किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाए तो हमेशा लाभ होगा। लाभ कितने रुपए होगा, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। हानि कितनी होगी, सीपी में से एसपी को घटा देंगे। यहां तक ये बात समझ में आई, क्लियर समझ में आएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एक और टर्म होता है जिसमें ये जो लाभ है ना इसको हमसे परसेंटेज में पूछा जाता है कि बताइए ट्रांजैक्शन में लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो जब कभी भी हमें लाभ परसेंट निकालना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है, उसको लिखेंगे ऊपर, और लाभ को हमेशा कैलकुलेट करते हैं वस्तु के क्रय मूल्य पर, तो सीपी रहेगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो भैया लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। तो जब कभी भी हमें लाभ परसेंट निकालना होगा तो आर्टिकल पर कितना लाभ हुआ है वो मान ऊपर रहेगा, और हमेशा लाभ को कैलकुलेट करते हैं वस्तु के क्रय मूल्य पर, वो नीचे रहेगा मल्टीप्लाई 100। तो मैंने आपको जब परसेंटेज में चीजें बताई थी तो जब मैंने आपको फ्रैक्शन मान निकालना बताया था तो बताया था कि जब किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन मान बनाते हैं तो जो परसेंटेज का रिजल्ट होता है वो ऊपर आता है, तो ये लाभ परसेंट है तो लाभ ऊपर आएगा, और इस लाभ को किस वैल्यू पर निकाला गया है वो वैल्यू चीज नीचे आएगी तो सीपी नीचे आएगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, बात क्लियर है। ऐसे ही हानि प्रतिशत, ऐसे ही हमें किसी भी ट्रांजैक्शन में हानि प्रतिशत निकालनी होगी तो पहले हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हानि कितनी हुई है, और हमेशा इसको भी कैलकुलेट करेंगे वस्तु के क्रय मूल्य सीपी पर और मल्टीप्लाई 100, तो ट्रांजैक्शन में हानि परसेंट निकल के आ जाएगी कि हानि परसेंट क्या होगी। तो यहां से हमने क्या बातें समझी, क्या इंपॉर्टेंट है उनको समझेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। उसके बाद लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। हानि कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अगर देसी भाषा में समझेंगे तो अगर हम किसी भी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, तो हमेशा हमें लाभ होगा, और किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमेशा हानि होगी। उसके बाद लाभ कितने रुपए का हुआ ये निकालेंगे, तो सेलिंग
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, हानि कितने की हुई ये निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, ट्रांजैक्शन में लाभ परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर और कॉस्ट प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 100 तो ये हमारा लाभ का परसेंट आ जाएगा। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस लिखेंगे ऊपर हमेशा सीपी पर कैलकुलेट मल्टीप्लाई 100 तो हमारा लॉस का परसेंट आएगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई, ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, चिंता मत करो, बस आप यहां समझ लो, ये रटने नहीं पड़ेंगे, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो सारी चीजें आपको बता के चलूंगा, कंसेप्चुअल फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, समझते चलिए भाई, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो किस कंसेप्ट पर आधारित है, इसी लाभ और हानि के कंसेप्ट पर आधारित है, उनको कैसे करेंगे देखो ये देखते हैं। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन हमारे यहां पर लाभ और हानि में मैंने आपको एक बात बताई कि लाभ को और हानि को हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, ये बात मैंने आपको अभी बताई है। इसका मतलब सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, इसका मतलब लाभ और हानि परसेंट सीपी पर निकाला जाएगा, तो हमने फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा है। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये बात और समझेंगे कि जब हम किसी भी लाभ प्रतिशत पी परसेंट का फ्रैक्शन मान निकालते हैं, लाभ परसेंट का फ्रैक्शन मान मान के चलो ए बटे बी है, तो फ्रैक्शन मान निकालने पर नीचे हमेशा सीपी आएगा और ऊपर हमेशा लाभ का रेशियो आएगा। हम एसपी निकालेंगे कि कितना विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे यहां से, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। ये खरीद मान के चलो बी रुपए में किसी चीज को खरीदा और ए का लाभ पर उसे बेचना है, तो इसका मतलब बी से ए रुपए बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ए प्लस बी, मतलब दोनों रेशियो को जोड़कर हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट दिया होगा तो हम सीपी एसपी और प्रॉफिट का रेशियो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही मान के चलो हमें हानि प्रतिशत दिया हो, तो जब हम प्यारे विद्यार्थियों हानि प्रतिशत का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो ऊपर तो आएगा हानि कितने रुपए की हुई और नीचे आएगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो ये जो है लॉस होगा ये कॉस्ट प्राइस होगा। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस में से हानि को घटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हानि के केस में एसपी सीपी से कम होता है, तो कम यहां पर बस आप जो परसेंटेज वाली टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लो। आप लाभ है तो लाभ का मतलब प्लस, लाभ का मतलब जोड़ना है आपको, तो जोड़ना है तो बी प्लस ए, ऐसी हानि है तो हानि का मतलब माइनस करना है, सीपी में से एल को घटाना है, हानि का मतलब माइनस होगा, लाभ का मतलब प्लस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा दोनों के बहुत ही आसान, जैसे मान के चलो क्वेश्चन में उसने कहा कि 20% का लाभ हुआ एक व्यक्ति को, तो यहां से डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा 1/5, तो ऊपर तो आएगा प्रॉफिट और नीचे आएगा सीपी, एसपी निकालेंगे तो 5 में 1 को जोड़ देंगे 6, बस ऐसे आपको करना है। ऐसे ही मान के चलो एक और एग्जांपल, उसने कहा 30% लाभ, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 3/10, तो नीचे 10 रेशियो सीपी का आएगा, ऊपर ये प्रॉफिट का आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 एसपी का हो जाएगा। ये वाला जो रेशियो है ये सेलिंग प्राइस का है, ये वाला जो रेशियो है ये सेलिंग प्राइस का है। तो एक तरह से अगर हम फ्रैक्शन डायरेक्ट वृद्धि वाला बनाएंगे तो ये जो है जैसे हम परसेंटेज में वृद्धि करते थे तो वहां यही तो करते थे, ऐसे परसेंटेज में कमी करते थे तो यही तो करते थे, कमी के लिए यहां हानि पे जाएंगे, यहां पे केवल लाभ है तो इसलिए वृद्धि, तो ऐसे बनाएंगे। ऐसी हानि के लिए देखो एग्जांपल, जैसे उसने कहा 20% की हानि, तो हानि के लिए लगाना है -20%, 20% का फ्रैक्शन मान बनाएंगे 1/5, तो ऊपर जो 1 रेशियो होगा वो होने वाले लॉस का होगा और नीचे जो 5 रेशियो होगा वो सीपी का होगा, एसपी निकालेंगे तो 5 में से 1 को घटाएंगे, ये वाला जो है हमारा एसपी होगा, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो 30% का लॉस दिया है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 3/10, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा, ऊपर होने वाली हानि का आएगा और 10 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 7 जो आएगा वो हमारा भाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो 7 क्या हो जाएगा भैया, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7।
तो हानि परसेंट को हमें ऐसे कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट परसेंट को हमें इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। उसके अलावा अगर हम इस चीज को ना लिखें, डायरेक्ट एसपी और सीपी का रेशियो निकालें, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान के चलो 40% लाभ दिया है, तो 40% प्लस का फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो 40% 2/5 होता है, 5 में 2 को ऐड करके सीधा बनेगा 7/5। तो नीचे हमारा सीपी आएगा और ऊपर हमारा एसपी आएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही यहां पर मान के चलो 40% हानि का हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाना है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, लेकिन हानि का मतलब माइनस होता है, तो सीधा बनेगा 3/5। नीचे हमारा सीपी आएगा, ऊपर हमारा एसपी आएगा। इस प्रकार से हम एसपी सीपी का ट्रांजेक्शन प्रॉफिट और लॉस के केस में बना लेते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां तक जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो हम आज की क्लास के क्वेश्चनों पर चलते हैं, क्योंकि उनमें इन्हीं इसी टर्मोलॉजी जो मैंने आपको समझाई है, इसी चीज का उसमें पूरा उपयोग है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलते हैं प्यारी विद्यार्थियों आज की क्लास के कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चनों पर, जो मैंने कांसेप्ट बताया पर उसी पर आधारित हैं, ठीक है। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको भाई स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मुझे यहां नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं प्रोजेक्टर से वीडियोस बना रहा था उसमें बेटा क्लियरिटी नहीं आ रही थी, क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए मैंने प्रोजेक्टर वाला जो सिस्टम है उसको हटा दिया है। अब मैं इसी प्रकार से बोर्ड पे क्लियर पढ़ाऊंगा, चीजें यहां पर आपको स्पष्ट दिखती हैं। बच्चे बहुत कमेंट करके बता रहे थे कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, इंप्रूव करिए, तो इसलिए मैंने फिर से जो पहले वाला तरीका था उसी तरीके से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर क्वेश्चन केवल आपको दिखेगा, आप उसको पढ़ेंगे, मैं यहां से देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको दिखने लग गया होगा, पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन को। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इस बात को समझेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में यह कह रहा है कि वस्तु का सीपी 5000 है और एसपी 6000 है, उसने वस्तु का सीपी दिया है हमको भैया 5000 और उसका सेलिंग प्राइस दिया है हमको भाई 6000 और उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है लाभ परसेंट बताइए। तो देखो क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अभी हमने सीखा है पीछे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए लाभ कितना हुआ है। तो 5000 की चीज को 6000 में बेचा गया है, तो लाभ कितने का हो गया, तो 6000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो लाभ हो गया भाई 1000। माइनस क्यों करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्यों, कंसेप्ट में पीछे आपको भाई समझा चुका हूं। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य सीपी से ज्यादा होता है, और विक्रय मूल्य सीपी से कितना ज्यादा है वही लाभ होता है। तो 6000 5000 से कितना ज्यादा है, 1000, तो इस ट्रांजैक्शन में उसे 1000 का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत को हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी हमारा 5000 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5, लेकिन हमें परसेंटेज बनाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% प्रॉफिट, प्लस का मतलब प्रॉफिट है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास बहुत समय, बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को करेंगे, ठीक है। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे भाई, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें कह रहा है कि वस्तु का जो सीपी है वो 625 है और एसपी 500 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्टिकल का जो सीपी है वो 625 है और आर्टिकल का जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो 500 है, इसका मतलब ज्यादा की खरीद है कम की बिक्री है। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में लॉस होगा, तो उसने लॉस परसेंट ही हमसे पूछा है। तो देखो सीपी 625 एसपी 500, तो इसका मतलब यहां से अगर हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट के लिए पहले ये देखो कितने की हानि हुई है, तो 625 में से 500 को माइनस करेंगे तो 125 की हानि हुई है। किस पर कैलकुलेट करते हैं सीपी को, हमेशा लॉस को सीपी पर कैलकुलेट करेंगे, तो 625 नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100,
ठीक है। तो यहां से 125 को इसको कैंसिल करेंगे तो 125 से पांच बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% हानि, या कह सकते हैं 20% लॉस। तो 20% लॉस इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का, 625 रुपए क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य ज्यादा है, एसपी कम है, मतलब ज्यादा की खरीद है कम की बिक्री है, तो इसका मतलब हानि होगा। हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि कितने रुपए हुई है वो वैल्यू ऊपर, और सीपी पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। विद्यार्थियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखने लग गया होगा, सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए है और विक्रेता इसे 25% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए है, विक्रेता इसे 25% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखो समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए है, इसका मतलब वस्तु कर जो बनाने में खर्चा आया है, कॉस्ट प्राइस, वो भैया 200 रुपए है, और 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%, और विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसको करने का देखो एक तो सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि भैया लाभ परसेंट दिया है 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। लाभ परसेंट है तो लाभ परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने पर ऊपर जो मान आता है वो होने वाले लाभ का आता है, और नीचे मान जो आता है वो क्रय मूल्य का आता है। हम एसपी निकालेंगे तो सीपी में होने वाले लाभ को ऐड कर देंगे तो 4 और 1/5 जो आएगा वो हमारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 5, सीपी का रेशियो 4 और 1 लाभ का। अब इसमें से एक रेशियो का मान निकालने के लिए आपको क्या दिया, सीपी कितना दिया है 200, इसका मतलब कितने रेशियो का मान होगा 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू हमें उसने बराबर दी है 200 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 4 से 200 को भाग दे देंगे तो 4 × 5 = 20 कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 × 50 = वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 250 रुपए। बस हो गया सॉल्यूशन, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर आप इसको जैसे ये मैंने फ्रैक्शन, ये प्रॉफिट परसेंट जो लाभ परसेंट हमको दिया था उसका मैंने फ्रैक्शन मान बनाया, और जब किसी भी लाभ परसेंट का फ्रैक्शन मान बनाते हैं तो ऊपर लाभ आता है, नीचे सीपी आता है। क्यों आता है नीचे सीपी? सीपी नीचे इसलिए आता है क्योंकि लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से नीचे सीपी आता है, और सीपी में लाभ को जोड़ेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा भाई 5। इसमें से सीपी दिया था, हमने चीज को कैलकुलेट कर लिया। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मैंने 25% लाभ देखा तो मैं इसको लिखूंगा +25%, और +25% का फ्रैक्शन हम कैसे बनाते थे परसेंटेज में, 5/4। तो नीचे सीपी ऊपर एसपी, सीपी का रेशियो कितना दिया है 200, तो 4 रेशियो का मान 200, तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया 50, एसपी के लिए निकालेंगे 5 रेशियो का मान, तो 5 × 50 एसपी कितना आ जाएगा भाई 250। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखने लग गया होगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जो एक क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपको उसी प्रकार का मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 253 रुपए में 37.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंट दिया है, और क्रय मूल्य पूछा है। अब इस क्वेश्चन में तो देखो इस तीसरे वाले क्वेश्चन को, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है 253 रुपए में बेचने पर, तो 253 रुपए जो है वो वस्तु का सेलिंग प्राइस है भैया, 253 रुपए क्या दिया है, वस्तु का सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है 37.5। अब हम चीजों को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको पीछे बता चुका हूं, अब चीजों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 37.5% प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो प्लस 37.5%, तो 37.5% होता है 3/8, लेकिन ये प्रॉफिट है तो 8 और 3 = 11/8 बनेगा। 11/8 में नीचे सीपी होगा, ऊपर एसपी होगा। अब हमें दिया क्या है, एसपी 253,
तो 253 11 रेशियो का मान होगा, तो 11 रेशियो का मान 253 हो जाएगा। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 11 से इसको भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 थी 23, तो मल्टीप्लाई 23। सीपी के लिए 8 रेशियो का मान निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 23, तो 8 थी 24, 4 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 184 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा भैया 184। ठीक है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 37.5% जैसे मैंने बताया था, बात वही है, कुछ नहीं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, नीचे आएगा सीपी, ऊपर आएगा लाभ, एसपी हो जाएगा 11, फिर वही 11 रेशियो का मान और 8 रेशियो का मान। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, लाभ भी आपको पता है, सीपी भी पता है और एसपी भी पता है, और ये जो रेशियो हम डायरेक्ट बनाते हैं इसमें सीधा एसपी और सीपी का रेशियो बनता है, एसपी ऊपर और सीपी आपका नीचे। सीपी ही नीचे क्यों आता है, क्योंकि हमेशा लाभ परसेंट को हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से नीचे सीपी आता है, यही बात समझने वाली है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो मैंने चीजें पहले बताई हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन है, करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो देखो क्वेश्चन में बताता हूं आपको क्या कह रहा है, 749 रुपए में 22.22% की हानि पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया है, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है ये भी दिया है, ट्रांजैक्शन के रिजल्ट का मतलब लाभ है या हानि है वो भी हमें परसेंटेज में दिया है, और एक दूसरी चीज जो है वो हमसे पूछी है, तो इसको करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसको करना भाई हमारे लिए बहुत ही आसान है, आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन। तो उसने कहा है कि एक वस्तु को 749 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य वस्तु का हो जाएगा 749, और 749 रुपए में बेचकर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस परसेंटेज भी हमको दिया है उसने 22.22%, बस क्वेश्चन हो गया, लॉस परसेंट दिया है, एसपी दिया है, और हमसे उसने कॉस्ट प्राइस जो है उसको उसने पूछा है, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन को करने में, कुछ नहीं, 22.22% लॉस, लॉस का मतलब माइनस, माइनस 22.22%, तो 22.22% 11.11% का 2 गुना है, और 11.11 होता है 1/9, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/9, तो 2/9 में ऊपर आएगा ट्रांजैक्शन में कितनी हानि हुई ये, और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस ही क्यों आएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत को सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, एसपी निकालेंगे तो 9 में से 2 को घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का आ जाएगा भैया 7, इनमें से आपको क्या दिया है, तो इनमें से दिया है विक्रय मूल्य 749, इसका मतलब 7 रेशियो की वैल्यू बराबर होगी 749 के, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 से इसको भाग दे देंगे, तो 7 से 1 बार जाएगा 0 और 7 से 7 बार जाएगा 107, तो सीपी के लिए निकालेंगे कितने रेशियो का मान, 9 रेशियो का मान, तो 9 मल्टीप्लाई 107, तो आ जाएगा 963, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 963। 963 कौन सी ऑप्शन पे है भाई, 963 सी ऑप्शन पे है, तो इस क्वेश्चन का जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर आ जाएगा आपका 963। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे उसने कहा 22.22% की हानि, तो 22.22% हानि, तो माइनस, माइनस का मतलब फ्रैक्शन बनेगा 2/9, घटाकर लिखेंगे तो 7/9, ऊपर आएगा आपका एसपी और नीचे आएगा आपका सीपी, इनमें से एसपी दिया है 749, एक रेशियो का मान और इसका मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 963, जो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा 6th क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 अपना गियर बढ़ाते चलेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो आज की क्लास का 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 490 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत आसान है, जो पीछे कराया है वही है, अब आपको ज्यादा समय क्वेश्चन को करने में भाई नहीं लगना चाहिए। उसने कहा है एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा गया है, तो हमें लॉस परसेंट दिया है, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, लॉस, उसका परसेंटेज दिया है उसने, 12.5% का लॉस हुआ है, उसके बाद उसने सेलिंग प्राइस भी हमको दिया है,
सेलिंग प्राइस कितना दिया है भैया इसमें 490, सेलिंग प्राइस दिया है 490, सीपी बताना है। अब डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को तो 12.5% लॉस का मतलब -12.5%, और -12.5% का फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 12.5 का होता है 1/8, लेकिन माइनस है तो 8 में से 1 को घटाकर बनाएंगे 7/8। नीचे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आएगा, ऊपर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आएगा, दोनों में से क्या दिया है सेलिंग प्राइस, तो 7:1 की वैल्यू हमें बराबर दी है 490 के, 1:1 का मान निकालेंगे तो 7 से भाग दे देंगे तो 70 बार जाएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए 8:1 का मान निकालेंगे तो 8 × 70 8 × 56, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 560। यही इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो गया, तो आंसर कितना हो गया 560। कौन सी ऑप्शन पे है 560, भाई बी ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 6 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन के जरिए, इस क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में करने वाले हैं, तो इस बात को जरूर समझें बारीकी से। देखो ये वाला आज की क्लास का 7th क्वेश्चन है, इसमें इसकी लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन को यहीं पे लगा रहने देते, मैं हटा नहीं रहा। आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं वही वाली बात है कि नहीं। उसने कहा है एक वस्तु को 6 से ही 2/3% लाभ पर बेचा गया विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब मैंने आपको एक बात पीछे से ही बताते आ रहा हूं कि हमेशा हमेशा प्रॉफिट परसेंट, बात को बिल्कुल बारीकी से समझना भैया, और लॉस परसेंट को कैलकुलेट किया जाता है ऑन सीपी, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। और हम जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे। लेकिन लेकिन यदि वह क्वेश्चन में फोकस करके कह देता है इस बात को कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है वो एसपी पर निकाला जा रहा है, तो उस केस में फिर आप, उस केस में आप ये जिद नहीं करेंगे कि सर प्रॉफिट और लॉस तो सीपी पे निकाला जाता है, आप इसको एसपी पे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट फिर एसपी पे ही होगा, वो सीपी पे नहीं होगा, बस ये वाली बात समझने वाली है। तो इस वाले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है वो विक्रय मूल्य पर दिया है, मतलब प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट दिया है ऑन एसपी, और वैसा प्रॉफिट हमेशा हम निकालते हैं सीपी पर, तो ये प्रॉफिट भाई एसपी पर कैलकुलेट किया जाएगा, और ये दिया है आपका 6 से ही 2/3%। अब इससे लैंग्वेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्यूशन पर, इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये लाभ एसपी पर कैलकुलेट किया गया है तो इस लाभ प्रतिशत का फ्रैक्शन मान निकालने पर नीचे एसपी आएगा, जबकि वैसे पीछे क्या आता था सीपी, पीछे सीपी क्यों आता था, क्योंकि लाभ प्रतिशत वास्तविक में क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए सीपी आता था। तो यहां पर 6 से ही 2/3%, तो 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/15। तो यहां पर जो 1 है ये तो होगा ट्रांजैक्शन में होने वाला लाभ, और नीचे जो 15 है ये होगा भैया विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि 6 से ही 2/3% लाभ विक्रय मूल्य पर है, तो जिस पर कैलकुलेट किया जाता है वो मान नीचे आता है, तो एसपी नीचे आएगा। तो ट्रांजैक्शन में एसपी मतलब विक्रय मूल्य 15 और 1 का लाभ हुआ है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी निकालेंगे विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करके, तो 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में क्रय मूल्य 14 है, विक्रय मूल्य 15 है, और जो 6 से ही 2/3% लाभ कैलकुलेट किया गया है वो एसपी पर कैलकुलेट किया गया है। अब उसने हमसे पूछा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब वास्तव में लाभ कितना है, और वास्तव में लाभ का मतलब सीपी पर लाभ कितना है वो हमें बताना है। तो वास्तविक लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ रहेगा ऊपर, तो लाभ कितना है 1, वो वैल्यू ऊपर रहेगी, और निकालेंगे किस पर, सीपी पर 14 पर मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 से ही 1/100
7%। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके अलावा इनका प्रयोग बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन में होगा, इसलिए ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो वो लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर होगा, नीचे परसेंटेज फ्रैक्शन मान निकालने पर विक्रय मूल्य ही आएगा। फिर सीपी निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करके निकालेंगे, सीपी हो जाएगा आपका 14। तो यहां से फिर उसने वास्तविक लाभ परसेंट पूछा है, तो वास्तविक लाभ 1 को कैलकुलेट करेंगे सीपी 14 पर, तो आंसर आ जाएगा 7/1/7%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 8th क्वेश्चन आपको दिखने लग गया होगा। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको 7th क्वेश्चन कराया है वही क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो इस 7th क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो, मैं पढ़ के बता देता हूं कि इस 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा है वो कौन सा क्वेश्चन था भाई, 7वां क्वेश्चन था। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का सीरियल का ध्यान रखना, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। 8th क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 33.33% विक्रय मूल्य पर हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 33.33% विक्रय मूल्य पर हानि है, तो वास्तविक हानि परसेंट बताना है। ये है क्वेश्चन की डिमांड भाई। 8वां क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा, करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे, 8th क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जो हानि है 33.1/3% या 33.33% वो वस्तु के विक्रय मूल्य पर है। इसका मतलब अगर मैं हानि परसेंट 33.33% का फ्रैक्शन मान निकालूंगा तो 33.33% का फ्रैक्शन मान बनेगा 1/3। तो ट्रांजैक्शन में होने वाली हानि तो आ जाएगी ऊपर और एसपी आ जाएगा नीचे, और एसपी क्यों आएगा नीचे, क्यों, क्योंकि ये हानि परसेंट विक्रय मूल्य पर है। अब उसके बाद हम निकालेंगे सीपी, तो सीपी निकालेंगे तो ट्रांजैक्शन में क्या हुई है भाई, हानि हुई है, तो इसका मतलब सीपी ज्यादा होगी, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो 3 और 1 को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जो है वो क्या आएगा, सीपी। फिर उसके बाद वास्तविक हानि परसेंट हमको बताना है, तो वास्तविक हानि परसेंट के लिए हानि कितनी हुई है वो ऊपर, और कैलकुलेट करते हैं सीपी पर 4 पर मल्टीप्लाई 100, तो वास्तविक हानि परसेंट आ जाएगा हमारा 25%। तो वास्तविक हानि परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, 25%, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, और मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.66% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के ही लिए है, जो मैंने पीछे बताया है सेम वही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखो, 16/2/3% मतलब 16.66% लॉस, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो ऊपर आ जाएगा लॉस, नीचे क्या आ जाएगा, एसपी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो लाभ, ये वाला जो हानि परसेंट है ये विक्रय मूल्य पर है। सीपी निकालेंगे तो 6, एसपी में से लॉस को घटा देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा भाई, 5 हमेशा हमेशा हानि के केस में सीपी ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो 6 को जोड़ करेंगे 7, तो यहां से सीपी हमारा आ जाएगा 7। उसने पूछा है वास्तविक हानि परसेंट, तो वास्तविक हानि परसेंट हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पर, तो हानि परसेंट वास्तविक निकालेंगे तो हानि कितनी है 1, और सीपी कितना है 7 × 100, तो हमारा हानि परसेंट आ जाएगा 14.28%, 14.28%, ये हमारा वास्तविक हानि परसेंट आ जाएगा। तो यहां पर विद्यार्थियों को ये डाउट होता है कि सर आप पीछे अभी लॉस में बता रहे थे माइनस करना है, और यहां पे आप जोड़ रहे हो, वो क्यों जोड़ रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जहां मैंने आपको लॉस में घटाना बताया था वहां वैल्यू सीपी पर कैलकुलेट हो रही थी, जबकि यहां किस पर हो रही है, एसपी पर। तो आप ये समझ लीजिए कि सीपी पर जब वैल्यू कैलकुलेट हो रही होंगी तब तो साइन के मुताबिक काम यहां होगा, जैसे साइन माइनस होगा तो यहां भी घटेगा और साइन प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा, लेकिन जब वैल्यूज को एसपी पर कैलकुलेट किया जाएगा तो हानि के केस में जुड़ेगा और लाभ के केस में घटेगा। आप ये ऐसे याद रख लो, अगर याद रखना है तो, और अगर समझना है तो समझो,
कंसेप्ट को समझो। विक्रय मूल्य 6 है, मतलब किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया और उस पर 1 की हानि हुई है, तो इसका मतलब सीपी ज्यादा होना चाहिए, हानि तभी हो सकती है। तो इसका मतलब एसपी में उसको जोड़ना पड़ेगा, सभी तो सीपी ज्यादा आएगा, अगर आप इसमें से घटा देंगे तो वो तो कम आ जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे समझ के चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रटने की बजाय ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने फोन को बेचकर 20% लाभ कमाता है, यदि वह विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना चाहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात वही आ गई, अभी विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट दिया था और वास्तविक पूछा था, यहां वास्तविक दिया है, विक्रय मूल्य पर पूछा है, हमें कैलकुलेट करने का तरीका तो बदलेगा नहीं। तो देखो 10वें क्वेश्चन को, 10वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कहा। उसने कहा एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है फोन को बेचकर, इसका मतलब 20% लाभ कमाता है तो प्लस, लाभ का मतलब प्लस, इसका मतलब 20% लाभ कमाएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो नीचे आएगा सीपी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा आपकी बार के विक्रय मूल्य पर कमाता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य पर कमाता है ये नहीं कहा, तो सीधा सीधा सीपी पर होगा, सीपी 5 प्रॉफिट 1, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 6। अब उसने कहा है बताइए विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो उसने पूछा है प्रॉफिट ऑन एसपी, तो इसका मतलब अब प्रॉफिट कितना है 1, अब कैलकुलेट कहां करेंगे एसपी पर, तो एसपी कितना है 6 और मल्टीप्लाई 100, 1/6 का परसेंटेज में मात्र होता है 16/3%, इसका मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ 16/3% होगा, क्रय मूल्य पर लाभ 20% होगा। ये परसेंटेजों में अंतर क्यों आ गया, देखो लाभ तो यहां भी 1:1 है, लाभ तो यहां भी 1:1, लेकिन परसेंटेजों में अंतर क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया कि वास्तविक लाभ सीपी पर निकालते हैं तो नीचे सीपी आएगा, और ये जो एसपी पर पूछा है तो नीचे एसपी पर निकालेंगे तो ये आएगा, इस वजह से ये परसेंटेज में डिफरेंस आ गया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 11th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, आज सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी भाई। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। परसेंटेज में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कंपेरिजन करते हैं फ्रैक्शन में, तो जिसका कंपेयर करते हैं वो वैल्यू ऊपर आती है, जिससे करते हैं वो वैल्यू नीचे आती है, तो यहां पे हम उसी चीज का प्रयोग करने वाले। उसने कहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, इसका मतलब मैं जैसे ही फ्रैक्शन लिखूंगा 4/3 तो ये देखूंगा किसकी तुलना किससे की गई है, तो लैंग्वेज में देखो वहां पर दिख रहा होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य की तुलना की गई है और क्रय मूल्य से की गई है, तो जिससे तुलना करते हैं वो मान नीचे और जिसकी तुलना करते हैं वो मान ऊपर, एसपी 4 सीपी 3, इसका मतलब इसमें लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे कि सर एसपी ज्यादा सीपी कम है तो लाभ होगा, कितने का होगा 4 में से 3 को घटाएंगे 1 का लाभ होगा। अब उसके बाद उसने पूछा है लाभ परसेंट और हानि परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो लाभ कितने का होगा 1 का, कितने पर होगा सीपी पर निकालते हैं और मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 33/1/3%, वास्तविक लाभ यही होगा। लेकिन अगर वो यहीं पर पूछ लेता विक्रय मूल्य पर बताइए, तो मैं इसको 4 पर कैलकुलेट कर देता, आंसर हमारा 25% आ जाता, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम ऐसा ही, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टाइप के साथ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, आज कोई भी क्वेश्चन मैंने टफ नहीं कराया। देखो 12वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/4 है, क्रय मूल्य और किसका, विक्रय मूल्य का, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा 3 का, लॉस का परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंट में लॉस कितना है 3, हमेशा कैलकुलेट करते हैं 7 पर, आंसर आ जाएगा आपका 14/42 6/7%। ये मैंने कैसे कर दिया 42/6/7 सीधा, मुझे पता था कि 1/7 जो होता है, मुझे पता था कि 1/7 हमारा जो होता है वो 14/2/7% होता है, हमें यहां से इसका 3 × 3/7 निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 14/42/6/7%, ऐसे कर लेते हैं।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे और पूरे कंसेप्ट को समझा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, अभी परसेंटेज ही नहीं निकल रहा दिमाग में से, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे और उसके कंसेप्ट को समझा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा कुछ नए लाभ और हानि के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।